हेलो, हाउ आर यू गाइस? लर्न विद इंजीनियर शिराज की तरफ से आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज आपकी खिदमत में लाया हूँ सिलेबस ऑफ जिलेदार। बेसिक स्केल है इसका 14 और एग्जाम जो है वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू होगा। जी, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। टोटल पोस्ट जो है इसकी 136 है। 3 साल का कंट्रैक्ट है मगर एक्सटेंडेबल है। टाइम ड्यूरेशन जो होगी वो 90 मिनट है और 100 MCQs होंगे। नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25 की। और जो डिपार्टमेंट है इस जॉब का वो है पंजाब इरिगेशन। जी, अब आते हैं सिलेबस के ऊपर। जी, यहाँ पे हम वो सिलेबस डिस्कस करेंगे जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने जिसके बारे में बताया है। और आज मैं आपको टॉपिक वाइज सिलेबस बताऊंगा। मीन्स के मैथमेटिक्स में आपने क्या कवर करना है, इंग्लिश में आपने क्या करना है, उर्दू में क्या करना है, जनरल नॉलेज में क्या करना है, टॉपिक वाइज आपको चीज़ें बताऊंगा। जी, जो हमारे पास प्रपोज सिलेबस बाय पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है वो 9 तरह के सब्जेक्ट्स में आपका 100 नंबर का पेपर आने वाला है। मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर पाकिस्तान और वर्ल्ड के, इस्लामिक स्टडीज, पाक स्टडीज, एवरीडे साइंस, बेसिक कंप्यूटर और जियोग्राफी। ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिनमें से पेपर आएगा। अब क्या क्या आपको कवर करना है थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में गाइड कर देता हूँ। जी, चलते हैं आगे की तरफ। नंबर 1 पे हमारे पास है मैथमेटिक्स। जी, मैथमेटिक्स में आपने बेसिक अरिथमेटिक्स के क्वेश्चन जो हैं उनके शॉर्ट ट्रिक्स हैं। आपने टाइम बचाना है, शॉर्ट तरीके से करना है उसको, क्योंकि 90 मिनट आपको दिए जाएंगे और 100 MCQs है, उस लिहाज से आपने पेपर को सॉल्व करना है। जी, बेसिक अरिथमेटिक्स में से आपने परसेंटेज वाले क्वेश्चन करने हैं, रेशियोज वाले, प्रॉफिट एंड लॉस वाले, पार्टनरशिप वाले, एलजेब्रा, टाइम एंड वर्क और अरिथमेटिक मीन्स, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आपने इनके शॉर्टकट जो तरीके हैं इनको सॉल्व करने के वो करने हैं ताकि आप टाइम बचा सकें। इंग्लिश, इंग्लिश पे आते हैं। इंग्लिश में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग बहुत अहम है और पार्ट ऑफ स्पीच जो है इसमें से क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे, तो इन चीज़ों को आपने कवर करना है। एवरीडे साइंस, एवरीडे साइंस में बेसिक फिजिक्स के क्वेश्चन, बेसिक केमिस्ट्री के, बेसिक बायोलॉजी के, साइंटिस्ट के बारे में पूछा जाता है, इन्वेंशंस के बारे में पूछा जाता है, तो इस तरह के जो क्वेश्चन है आपने उसको करना है। जी, करंट अफेयर और वर्ल्ड एंड पाकिस्तान में 2019 और 20 और 18 के भी आपने जो है वो करंट अफेयर लाजमी करने हैं। जी, बेसिक कंप्यूटर में जो क्वेश्चन आता है वो कंप्यूटर शॉर्ट कीज के बारे में आता है, एमएस ऑफिस के बारे में, शॉर्ट कीज ऑफ वर्ड एंड एक्सेल, इंफॉर्मेशन अबाउट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में पूछा जाता है, कंप्यूटर कब इन्वेंट हुआ, इस तरह के जो क्वेश्चन है, नेटवर्क के बारे में पूछा जाता है। तो इस तरह की सारी वीडियोज आपको मेरे ही चैनल पर मिल जाएंगी, आप वहां से इसको देख सकते हैं। जी, 6. नंबर पे हमारे पास इस्लामिक स्टडीज और जो गैर मुस्लिम है उनके लिए एथिक्स में से पेपर आता है। तो यहाँ पर हम इस्लामिक स्टडीज को डिस्कस करेंगे कि आपने किस तरह के क्वेश्चन हल करने की कोशिश करनी है। जितने भी बैटल्स हैं, गजवात, उसमें से क्वेश्चन आते हैं, मक्की एंड मदनी पीरियड ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसमें सवाल आते हैं, इंफॉर्मेशन अबाउट कुरान और हदीस के बारे में पूछा जाता है, उसमें से सवाल आते हैं, सियासत्ता के मुतल्लिक, असूल अरबा के मुतल्लिक, ईमान, मुफस्सिल ईमान, मुजम्मिल, पिलर ऑफ इस्लाम, पीरियड ऑफ खुलफाए राशिदीन और इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल प्रॉफिट्स, इस तरह के जो क्वेश्चन हैं आते हैं, ये भी आपको सब के सब मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। जी, उर्दू, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान में एक पोर्शन खास आता है, आखिरी पोर्शन जो होता है 91 से 100 तक का, वो उर्दू का पोर्शन आता है। तो उसमें से कौन सी चीज़ें पूछी जाती हैं? जी, ग्रामर के बारे में पूछा जा सकता है, मुसन्निफ का नाम, शायर का नाम, किताब का नाम, किसने लिखी, किसी लफ्ज़ के मायने पूछे जा सकते हैं और ज़र्बुल इम्साल, इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। उर्दू की भी 3 वीडियो जो है रिपीटेड पास्ट क्वेश्चन की पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की, वो मैंने अपने चैनल पर अपलोड की है, आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। आगे चलते हैं। जी, जी के, जनरल नॉलेज एंड पाक स्टडी,
सबसे अहम पोर्शन इसलिए कहूँगा कि क्योंकि ये बहुत वाइड फील्ड है, आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में, जनरल नॉलेज के बारे में आपको बहुत काफ़ी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो कुछ चीज़ें यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, बाकी कुछ चीज़ें आपने खुद करनी है। जी, जनरल नॉलेज अबाउट पाक, पाक स्टडी जो है और वर्ल्ड के बारे में भी आपको जनरल नॉलेज होना चाहिए। कुछ मिसालें मैं यहाँ दे सकता हूँ, इंडो पाक हिस्ट्री के बारे में, वर्ल्ड वॉर हिस्ट्री ऑफ यूएसए, हेड क्वार्टर्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, कैपिटल और करेंसी डिफरेंट कंट्रीज की, लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, और नेशनल प्रोविंशियल एंड सेनेट, इस तरह के जो क्वेश्चन हैं ये आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपने अपने आप को तैयार रखना है इस चीज़ के लिए, इसकी आपने जनरल नॉलेज की तैयारी जो है करते रहें, अभी से स्टार्ट कर दें। जी, आखिरी चीज़ है जी जियोग्राफी। जियोग्राफी में बेसिकली चार चीज़ों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, लैंड्स, फीचर, इनहेबिटेंट्स एंड फिनोमिना। ये मैं बता देता हूँ कि लैंड में कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं आपसे, अर्थ के बारे में पूछ सकता है, और दूसरे जो हमारे प्लैनेट्स हैं प्लैनेट से मुतल्लिक आपसे पूछ सकता है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है फीचर्स के बारे में, आपसे कॉन्टिनेंट, सीज, रिवर, माउंटेन्स के बारे में पूछ सकता है। इनहेबिटेंट्स में आपसे हम इंसानों के बारे में और एनिमल्स के बारे में पूछा जा सकता है, और फिनोमिना जैसे कि टाइड्स, विंड्स, अर्थक्वेक्स, इसके बारे में क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको पता चल सके कि किस तरह का जो इम्तिहान है आ सकता है और किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। अपना भरोसा ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल लर्न विद इंजीनियर सिराज को सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज़।